तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 इंग्लिश क्लास 9 जो कि आपको 17 जुलाई 2021 को प्रोवाइड की जाएगी। और आज की हमारी टॉपिक है आर्टिकल्स, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ए एन द का यूज़ कहाँ पर होता है। तो एन के लिए आप वोवेल ध्यान में रखना, वोवेल होते हैं 5 ए ई आई ओ यू, इनसे जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनसे पहले एन यूज़ होता है, और जहाँ पर ना स्टार्ट हो वहाँ पर ए यूज़ करते हैं। द कहाँ पर यूज होता है, द का यूज़ बिफोर यूनिक थिंग्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, एडजेक्टिव, इन द सुपरलेटिव डिग्री और नेम्स ऑफ रिवर, न्यूज़पेपर, माउंटेन्स, ओशंस, यानी नदियों के नाम, अखबार, पर्वत, सागर, महासागर। अगर ऐसी बात आती है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर, द, ठीक है ना। जैसे अगर सन की बात करेंगे द सन यूज होगा, इसी प्रकार डिग्री बेस्ट तो द बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ क्वेश्चन है, वहाँ पर ए एन फिल करना है, देखते हैं इनके आंसर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आइसक्रीम आई वोवेल है इसीलिए एन यूज़ होगा, सेकंड में द आएगा, थर्ड में द, फोर्थ में अम्ब्रेला यू से स्टार्ट है वोवेल है तो एन आएगा, सिक्स में ऑरेंज ओ से है तो वोवेल है एन आएगा, और बनाना से पहले ए आएगा, ठीक है ना। सिक्स में द, सेवन में द, एट्थ में ए, और नाइन्थ में आवर यानी उच्चारण ओ से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए यहाँ पर भी एन आएगा, ठीक है। और टेंथ में दोनों जगह द आएगा, ठीक है। तो ये 1 to 10 वोवेल फिलअप्स हो गए आर्टिकल ए एन द, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइड में आंसर है आप देख सकते हो, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग ए एन द। तो फर्स्ट लाइन में ए यूज होगा, सेकेंड वाली लाइन में द, द दो स्पेस है, थर्ड में तीन स्पेस है द एन ए, और फोर्थ में एन आएगा, फिफ्थ में द द, ठीक है ना, और सिक्स में द द ए, तीन स्पेस है, और लास्ट में सेवन में ए ए, ठीक है। इसी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 5 कंप्लीट हुई। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।